हैं फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट में एक्यूरेसी कैसे लाए, PYQ को कैसे पढ़े और कैसे अपने एरर को दूर करें। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि इसी तरीके का अपडेट आपको हमेशा मिलते रहे और आप अपने नीट 2023 के एग्जाम में कंप्लीटली फुली गारंटी के साथ सक्सेसफुल होइए। तो मैं बात करने वाला था कि अगर हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, अगर मॉक टेस्ट जो होता है, मॉक टेस्ट क्या होता है? मॉक टेस्ट हम जानते हैं कि अपने आप को जज करते हैं कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, टेस्ट का मतलब होता है जज योरसेल्फ, और यही जो मॉक टेस्ट है, इट्स मीन जज योरसेल्फ कि आपने अपने पढ़ाई को किस तरीके से पूरा किया है इन साल भर में। तो देखिए, बहुत बच्चे लोग ये जो टेस्ट देते हैं ना, बहुत प्रेशर से देते हैं कि मुझे एकदम एक्यूरेसी लाना है, एकदम अच्छा करना है, बहुत अच्छे से देना है, मुझे एकदम 500 प्लस लाना है, 600 प्लस लाना है या 650 प्लस लाना है। यार, ये प्रेशर पहले तो हटाइए। ये प्रेशर इसलिए हटाइए क्योंकि ये प्रेशर से कभी भी आपका अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा। आपको जो मिस्टेक नहीं भी करना, आप वो मिस्टेक कर दीजिएगा। तो आपको सबसे पहले मॉक टेस्ट को इतना इज वे में लेना है, यानी आपके नॉलेज को आप बस जज कीजिए कि मुझे क्या क्या मैंने अच्छे से टॉपिक कवर किया। ये चीज तो आपको फर्स्टली यू रिमूव योर प्रेशर, माइंड प्रेशर, जो एक ब्रेन का प्रेशर होता है ना, उसे रिमूव करना, क्योंकि ब्रेन भी आपको बोलता है कि जितना ईज रखोगे मैं तुम्हें उतना अच्छा रिजल्ट दूंगा, जितना ईज रखोगे मैं तुम्हें उतना अच्छा रिजल्ट दूंगा। अगर आप ब्रेन को प्रेशर में रखिएगा तो आपका रिजल्ट कहाँ से अच्छा आएगा? अच्छा तो बिल्कुल नहीं आएगा। तो इसीलिए मेरा फर्स्ट पॉइंट आपके सामने ये है कि जब भी आप मॉक टेस्ट में जाओ या जब भी आप मॉक टेस्ट को दो, तो आप अपने ब्रेन के प्रेशर को, आपके माइंड के प्रेशर को एकदम घड़ी पे छोड़ के आओ। वो प्रेशर लेना नहीं है, आप बहुत ईज तरीके से दो। देखो, आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा मॉक टेस्ट में, और रियली ये इंप्रूव भी करेगा डे बाई डे। फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट कि जब हम लोग मॉक देते हैं तो मॉक में हम लोग जानते हैं कि जो हमारा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले हम लोग उसी को टच करते हैं रियली। तो ये सही भी है अगर जो फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि ये टाइम सेविंग मूवमेंट हो जाता है, क्योंकि फेवरेट सब्जेक्ट में हम लोग का पकड़ बहुत ज्यादा रहता है और उस पर हम लोग क्या करने लगते हैं, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से टिक करने लगते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसमें एक्यूरेसी के साथ उसको सॉल्व भी करने लगते हैं। तो ये सही है, ये गलत नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे क्वेश्चन गलत हो जाता है, अगर बाय द वे क्वेश्चन आता है आपको, उसका आंसर आपने बबल गलती कर दिया, तो वो एक अलग से प्रेशर आ जाता है, जा मैंने क्या कर दिया, मैंने ये गलती कर दी, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। ये जो प्रेशर फिर आपको जो है ना, आपका आगे का एग्जाम वो खराब कर देगा। अगर बार बार माइंड में वो आ रहा है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो यू जस्ट टेक अ लिटिल ब्रेथ, ठीक है ना, आपको एक छोटा सा ब्रेथ लेना और फिर देन अगेन जो हुआ सो हुआ, आके अपने एग्जामिनेशन को, आप अपने मॉक टेस्ट को बहुत अच्छे से दीजिए। यानी आपको वो प्रेशर नहीं होना चाहिए कि मैंने एरर कर दिया। यार, एरर तो हो ही गया, लेकिन एरर की वजह से अगला एरर तो नहीं हो। ये सेकेंड पॉइंट था। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो, इस तरीके का सिचुएशन आ जाएगा तो आपका पूरा एग्जामिनेशन खराब हो सकता है और आपका एक साल बर्बाद हो सकता है। तो आपको ये हैबिट यहीं पे बनाना होगा, मॉक टेस्ट के दौरान बनाना होगा आपको। तो ये बात याद रखिएगा। एंड द थर्ड वन कि हमारे क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट हो रहे हैं। अगर हमारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट का साइज छोटा है, क्यों घबरा रहे हैं? छोटा है ना, बड़ा करेंगे धीरे धीरे। लेकिन ये प्रेशर नहीं आना चाहिए कि मेरा, यार मैंने बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, मैं ज़्यादा बना लेता हूँ। ये आदत बन जाएगा ना, तो आपके एग्जामिनेशन हॉल में, फाइनल एग्जाम में बहुत ही प्रॉब्लम करेगा। क्योंकि अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं आएगा, वहाँ पे वो निगेटिव लेके चला आएगा, और निगेटिव मार्क्स जब आएगा तो आपका जो ओरिजिनल मार्क्स है वो ऑलरेडी डाउन कर देगा। तो आपको जितने आते हैं आपको उतना ही बनाना है। आपको ये नहीं जताना है कि मैंने यार 50 क्वेश्चन बनाए, मैंने 100 क्वेश्चन बनाए, मुझे 100 क्वेश्चन बनाए तो मेरा मार्क्स कम जाएगा। क्यों यार? अभी यू जज योरसेल्फ ना, आप अपने आप को जज कर रहे हो ना, तो जज करो। फाइनल एग्जामिनेशन में जो होगा वो देखा जाएगा, लेकिन फाइनल एग्जामिनेशन में ये जो आदत रहेगा, वही आदत वहां पे भी रहेगा। अगर अभी से आदत बिगाड़ लेंगे कि मैं सारे क्वेश्चंस को टिक कर रहा हूं, जो नहीं भी आ रहा टिक कर रहा हूं, तो वहां पे आपके आंसर्स गलत हो जाएंगे और आपका नेगेटिव जो होगा मार्क्स डाउन चला जाएगा। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम करेगा। तो आपको सबसे पहले ये चीज का ध्यान रखना है कि जो
क्वेश्चंस आ रहे हैं उसी को हम लोग बबल करेंगे। अगर आप 50-50 चांसेस है, 75 चांसेस है कि ये मेरा एक्यूरेट हो सकता है, तब रिस्क लीजिए, नहीं तो रिस्क लेना बेवकूफी है। मैं कहूंगा कि 50-50 में भी रिस्क ना लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। अगर बहुत ज्यादा प्रोबेबल चांसेस है तभी आप मारिए, अगर वो गलती हो जाता है तो फिर आपको लगेगा हाँ, अगर अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं यार ये मारना चाहिए, ये मुझे टिक करना चाहिए, तो उसे आप जरूर टिक कीजिए। गलती होगा तो फिर गलतियों से तो ही इंसान सीखता है ना। तो गलती यहां पे करना है मॉक टेस्ट के दौरान, ना कि एग्जामिनेशन हॉल में। गलती करके हम लोग अपने आप को सहसास होंगे यार अगले साल जरूर, यार अगले साल कितना साल, एक से दो अटेम्प्ट काफी है, थर्ड अटेम्प्ट में तो बैंक करना ही करना है, नहीं कीजिएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत प्रेशर आ जाता है फैमिली का, अपने ऊपर का बहुत ज्यादा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड अटेम्प्ट तो नेल करना ही करना है ये चीज। दोस्तों मैंने अभी की जो बातें कही है बहुत इंपॉर्टेंट थी, और ये बात ध्यान में रखिएगा, जो भी चीज़ें मैंने फर्स्ट जो बताया, सेकंड जो बताया, थर्ड जो बताया, ये थर्ड पॉइंट था, और फोर्थ जो था टाइम सेविंग मूवमेंट। टाइम सेविंग मूवमेंट इसलिए क्योंकि आपके 3 आवर्स का जो एग्ज़ाम होता है आपको 3 आवर्स में ही देने हैं, और लगे कि बहुत ज़्यादा, जैसे टाइम अगर ज़्यादा जाता है ना तो फिर प्रेशर और बढ़ने लगता है, यार मैंने कम अटेम्प्ट किया। तो टाइम का आप ज़्यादा ख्याल रखें, इसीलिए आप हर एक जो सब्जेक्ट है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हर एक पोर्शन को डिवाइड कर दीजिए कि मुझे इतना टाइम देना है इस पे। अगर 3 घंटे का एग्जाम है, बायोलॉजी का स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो बायोलॉजी में आप ज़्यादा दे दीजिए, अगर फिजिक्स में है तो फिजिक्स को दे दीजिए और फिर केमिस्ट्री को दे दीजिए। टाइम का सेपरेशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं एक टाइम मैनेजमेंट के लिए अगले वीडियो में मैं बात करूंगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें ताकि उन्हें पता चले कि मॉक कैसे दे और एक्यूरेसी कैसे लाए। अगर इस तरीके का फॉलो करेंगे तो एक्यूरेसी डेफिनेटली आएगी। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि इसी तरीके का अपडेट और मोटिवेशन आपको हमेशा मिलते रहे और नई नई चीजों के बारे में आप जानते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ बहुत बेहतरीन ढंग से, आपके लिए आपका दोस्त, आपका गुरु, आपका मेंटर। इसी तरीके से आप आगे बढ़ाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।